वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने आपके लिए एक नया वीडियो लाया है जो है 35 फीट बाय 37 वेस्ट फेसिंग। ये मेरे किसी क्लाइंट का था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बेसिकली ये आप देख सक रहे हैं कि मेरे स्क्रीन पे ये वेस्ट फेसिंग प्लान है इसका। यहाँ से एंट्री है वेस्ट से। यहाँ पे मैंने एक लॉन दिया है जो है 23 फीट बाय 6 इंचेस लॉन है, जहाँ पे आप एक गार्डन बना सकते हैं। वो गार्डन एरिया एज अ गार्डन एरिया यूज कर सकते हैं, या तो आप कोई भी एक कार आराम से पार्क कर सकते हैं। जैसे आप घर पे एंटर होते हैं, यहाँ पे आता है एक लिविंग रूम, जहाँ पे जो लिविंग रूम का साइज है जैसे आप देख रहे स्क्रीन पे 20 फीट बाय 16 फीट। यहाँ पे आप सेंटर टेबल रख सकते हैं, यहाँ पे दो आप सोफा सेट रख सकते हैं एल शेप का, सिटिंग एरिया जहाँ बोल सकते हैं, यहाँ पे एंटरटेनमेंट टीवी लगा सकते हैं। या ये सारी वेंटिलेशन के लिए मैंने विंडो बनाई है, जैसा जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है लाइट लाइट कलर्स में। मैंने लिविंग रूम में एक बेडरूम निकाला है 6 फीट बाय 7 फीट का। उस बेडरूम को आप एज अ पूजा घर, मंदिर, टेम्पल के एज अ यूज कर सकते हैं, या तो स्टोर रूम की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे आप आगे बढ़ोगे वहाँ पे स्टेयर्स जो है 10 फीट बाय 10 फीट का। स्टेयर्स के यहाँ पे मैंने एक बैकडोर दिया है। मैंने बैकडोर इसलिए दिया है क्योंकि हर घर में, हर बंगलों में या प्लॉट में, एक हाउस में बैकडोर होता ही है। अगर इनकेस आपके गेस्ट सामने बैठे हैं लिविंग रूम में, तो अगर आपको आपके बाईस या वर्कर सर्वेंट को अंदर लेना हो तो आप बैकडोर से उनको आप अंदर ले सकते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर के मैंने यहाँ पे स्टेयर्स बनाए हैं। फिर जाते हैं हम लोग किचन की तरफ, जो है ईस्ट साइड पे है। 8 फीट बाय 9 फीट किचन है। पैरेलल मैंने किचन दिया है, यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए विंडो दी है। राइट हैंड साइड ईस्ट और साउथ के बीच में मैंने एक बेडरूम दिया है जो है 8 फीट बाय 6 इंचेस बाय 13 फीट। उसमें एक अटैच टॉयलेट दिया है जो है 5 फीट बाय 2 इंचेस बाय 4 फीट बाय 6 इंचेस। साउथ की तरफ एक और बेडरूम दिया है जो है 12 फीट बाय 13 फीट। उसमें एक अटैच बाथरूम दिया है जो है 7 फीट बाय 4 फीट बाय 6 इंचेस। एक और बेडरूम दिया है जो है 10 फीट बाय 11 फीट। और उसमें एक अटैच बाथरूम दिया है जिसके मैंने मेजरमेंट मेंशन नहीं किया है, बट वो है 7 फीट बाय 5 फीट का। तो इस तरह मेरा ये 35 फीट बाय 37 वेस्ट फेसिंग हाउस है। ये मैंने पूरा वास्तु के हिसाब से प्लान किया है। कोई भी प्लॉट हाउस मैं कंप्लीट वास्तु के हिसाब से ही प्लान करती हूँ। आपका भी कोई भी आपका प्लॉट हो या आपका कोई प्रॉपर्टी हो और कमर्शियल प्रोजेक्ट भी हो, तो मैं आपको अगर वास्तु में हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है नीचे। और ये थ्री बेडरूम का एक छोटा सा प्लॉट है जिसका मैंने ये वास्तु के हिसाब से बनाया है। आप एक एक और बात नोटिस कीजिए, यहाँ इसमें जो सोने की पोजीशन है, जो बेड दिया है मैंने, उसका जो हेड है सोने का, जो स्लीपिंग पोजीशन मैंने ईस्ट साइड और साउथ वेस्ट रखा है, क्योंकि वास्तु के हिसाब से ईस्ट और साउथ हेड ईस्ट और साउथ की तरफ करने करना बहुत शुभ माना जाता है। इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, और स्लीपिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो अगर आपको इसी तरह वास्तु के और भी वीडियोस चाहिए, या आपका कोई प्लॉट है जिसका आपको डिज़ाइन कराना है, प्लान बनाना है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंटीरियर के बारे में कुछ भी पूछना है, मटेरियल नॉलेज पूछना है, तो आप मुझे प्लीज़ मेल कीजिए। मैं वास्तु कंसल्टिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग करती हूँ, और प्लॉट प्लानिंग, कमर्शियल प्रोजेक्ट भी करती हूँ। आप मुझे मेल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बोला, मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कमेंट करना हो, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करना मत भूले, लाइक करना मत भूले, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। प्लीज़ आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे, मे बी किसी की हेल्प हो जाएगी, किसी ज़रूरतमंद को ये वीडियो काम आए। और इसी तरह मैं वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू।